इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू मल्टीप्लाई अ फ्रैक्शन। इस वीडियो में मैंने सम सॉल्व करने के दो मेथड बताइए। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कौन सी मेथड इजी लगी। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9C का क्वेश्चन मल्टीप्लाई। स्वागत है आपका अपनी चैनल बिनास एजू वर्ल्ड में। क्वेश्चन ए है हमारा 5/28 × 7। अब यहाँ पे हम सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, जितना भी पॉसिबल है कट करने का उसको हम कट कर लेंगे। इसके नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब ये इधर 1 है, हम यहाँ पे 1 लगा सकते हैं। फिर ये जो ऊपर नीचे है उसको कट कर लेंगे। 7 × 7, 7 × 4 = 28। अभी हम देखेंगे कि ऊपर 5 है, नीचे 4 और 1 है, तो क्या 4 के टेबल में 5 आता है या दोनों एक दूसरे के टेबल में आते हैं? नहीं आते हैं, तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 × 5, 4 × 4। क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि अब कटिंग पॉसिबल नहीं था, इसलिए हमने मल्टीप्लाई करके इसका आंसर यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप हम क्या देखेंगे कटिंग करने के बाद, कि ये जो फ्रैक्शन जो हमें मिला है वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 4, 5 जो न्यूमरेटर है उससे ये डिनोमिनेटर छोटा है, इसका मतलब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो हम क्या करेंगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 5 / 4, 4 × 4, यहाँ पे मिला 1। अब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख लेंगे। 4 × 4 + 1, 5। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन बी है हमारा 20/21 × 7/10 × 1/2। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे आपको सेकेंड मेथड दिखा रही हूँ। इसमें हम क्या करेंगे, जो ऊपर का न्यूमरेटर है उनका मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। तो 20 × 7 होगा 140 एंड 140 × 1 = 140। तो जो भी मल्टीप्लाई करके मुझे प्रोडक्ट मिला उसको मैं लिख लूँगी यहाँ न्यूमरेटर की जगह पे, और फिर जो डिनोमिनेटर है उसका मल्टीप्लाई करेंगे। 21 × 10 = 210 × 2 तो होगा 420। अगर आपको बाय हार्ट नहीं हो रहा है तो आप रफ वर्क में अपनी कॉपी में इसका मल्टीप्लीकेशन करके देख लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या देखेंगे, जितना भी ये फ्रैक्शन कट होगा उसको हम कट करते जाएंगे। तो ये जो 0, 0 है वो पीछे का यूनिट प्लेस पे जो 0, 0 है दोनों कट कर देंगे। फिर 14 × 14, 14 × 3 = 42। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 1/3। तो ये था सेकेंड मेथड जिसमें हम मल्टीप्लीकेशन करके उसके बाद हम कटिंग करेंगे और फिर उसका आंसर लेके आएंगे। और जो फर्स्ट था उसमें हम क्या करते थे कि पहले ही कटिंग कर लेते थे और उस फिर उसका मल्टीप्लीकेशन। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर कटिंग करना, बस यही दोनों मेथड में यही फ़र्क है। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि कौन सा आपको ईजी लगा है। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या देखेंगे कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या प्रॉपर फ्रैक्शन। तो 1/3, 1 न्यूमरेटर है एंड 3 डिनोमिनेटर है, 3 1 से बड़ा है, इसका मतलब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो अब ये इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सी, 4/5 × 11/16 × 5/8। अब हम जितना भी पॉसिबल है उतना कट कर लेंगे। तो 4 के टेबल में 16 ऊपर नीचे देखेंगे, 4 है, 4 के टेबल में 5, 16 या 8 कब आता है? तो 4 × 2 = 8 हो रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 × 1 = 1, 4 × 2 = 8। अब हम देखेंगे ये 5 है, ऊपर भी 5 है, नीचे भी 5 है, तो ये दोनों कट हो जाएंगे। अब हम क्या देखेंगे, ऊपर जो न्यूमरेटर में 1 है और 11 है, तो 11 के टेबल में 16 या 2 आते हैं और डिविजिबल है तो नहीं है, तो हम 11 × 11 as it is लिख देंगे और
नीचे का जो डिनोमिनेटर है उनके भी मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 16 × 2, ये तो कट हो गए, तो इसका हमें कुछ नहीं करना है, लेकिन जो बाकी है उसका हम मल्टीप्लाई बाय कर देंगे, तो 16 × 2 = 32। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या देखेंगे, ये तो हो गई हमारी कटिंग, नेक्स्ट स्टेप हम देखेंगे कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर। 32 11 से बिग है, इसका मतलब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो यहाँ पे हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डी, 17/24 मल्टीप्लाई बाय 3/34 मल्टीप्लाई बाय 6/7। अब यहाँ पे हम देखेंगे 17 देखेंगे फर्स्ट, सबसे पहले तो 17 का टेबल बोलेंगे तो 34 आता है ना, तो 17 × 1 = 17, 17 × 2 = 34। अब यहाँ पे तो 1 ही है, यहाँ पे ये देखेंगे 3 के टेबल में 24 कब आता है, तो 3 × 8 = 24, तो 3 × 1 = 3, 3 × 8 = 24। अब हम देखेंगे यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 2 है, तो 2 × 3 = 6 होगा, तो 2 × 1 = 2 और 2 × 3 = 6। अब 3 है यहाँ पे, तो ये पॉसिबल नहीं है अब कटिंग करना, तो हम सबका मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, 1 × 1 = 1, 1 × 3 = 3, 8 × 1 = 8, 8 × 7 = 56। अब हम क्या देखेंगे, पॉसिबल नहीं है कटिंग, और ये जो फ्रैक्शन है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि 56 न्यूमरेटर से बड़ा है, इसलिए यहाँ पे वो मिक्स फ्रैक्शन भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ई, तो हम क्या देखेंगे, यहाँ पे सबसे ऊपर पहले फर्स्ट 5 दिया है फर्स्ट में, तो नीचे देखेंगे ये 25 से डिविजिबल है, तो 5 × 5 = 5, 5 × 5 = 25। अगेन यहाँ पे 5 है और यहाँ पे ऊपर नीचे दोनों 5 है, तो 5 × 5 करके सब कट हो जाएंगे। अभी हम क्या देखेंगे, यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 12 है, तो 12 के टेबल में 24 आता है, तो हम उसको भी कट करेंगे, 12 × 12 = 12, 12 × 2 = 24। यहाँ पे 1, 1, 2 है, अब 2 से कुछ भी यहाँ पे डिविजिबल नहीं है, तो सब मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, 1 × 1 = 1, 1 × 2 = 2 / 9 × 9, तो ये हो गया हमारा आंसर 2/9। इसका आंसर आएगा 0, हो गया, इसमें कुछ भी नहीं करना है हमें। हम मल्टीप्लाई में कैसे करते थे, जैसे कोई भी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करते थे तो उसका आंसर 0 ही आता था, वैसे फ्रैक्शन में भी सेम रूल है, किसी भी फ्रैक्शन को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई बाय करते हैं तो उसका आंसर 0 ही आता है। तो जब भी आपको फ्रैक्शंस में मल्टीप्लाई बाय करके ऐसे 0 दिया होगा, तो हमें आंखें बंद करके कुछ भी बिना सोचे यहाँ पे 0 लगा देना है, बस यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जी, अब इस क्वेश्चन में जो सेकेंड और फोर्थ फ्रैक्शन है वो मिक्स फ्रैक्शन है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो मिक्स फ्रैक्शन है दोनों, उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, और बाकी के जो फ्रैक्शन है उसको एज इट इज लिखेंगे। तो सबसे पहले हम ये जो फर्स्ट फ्रैक्शन है उसको एज इट इज लिख लेंगे, 1/4 को 1/4 एज इट इज, फिर बीच में मल्टीप्लाई का साइन दिया है, तो उसको हम यहाँ पे भी मल्टीप्लाई एज इट इज लिख देंगे। अभी ये जो सेकेंड फ्रैक्शन है उसको हमें इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है, तो इसका जो डिनोमिनेटर है वो लिख लेंगे मल्टीप्लाई बाय उसका होल नंबर एंड प्लस उसका न्यूमरेटर और अपॉन उसका डिनोमिनेटर, अगेन मल्टीप्लाई का साइन है उसको एज इट इज लिखेंगे, और 4/5 को भी हम एज इट इज लिख लेंगे, अगेन मल्टीप्लाई का साइन। फिर अब ये जो फोर्थ फ्रैक्शन है उसको कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर में, तो उसके लिए हम उसका डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय उसका होल नंबर एंड प्लस उसका जो न्यूमरेटर है वो लिख लेंगे, और अपॉन में जो डिनोमिनेटर है वो लिख लेंगे, एंड अगेन मल्टीप्लाई बाय 4/5 लिख लिया। अब देखेंगे कि हमें क्या बन रहा है फ्रैक्शंस, तो 1/4 एज इट इज, इसका भी साइन एज इट इज, फिर 2 × 2 = 4 + 1, 5/5
टू। अगेन इधर मल्टीप्लाई का साइन है, फोर अपॉन फाइव मल्टीप्लाई बाय टू, थ्री जा सिक्स प्लस वन सेवन अपॉन टू। अगेन मल्टीप्लाई का साइन है, वो एज इट इज लिख लिया और फोर अपॉन फाइव भी एज इट इज लिख लिया। अब ये जो सेकेंड और फोर्थ फ्रैक्शन है वो हमारा इम्प्रॉपर में कन्वर्ट हो चुके हैं दोनों, और बाकी के जो फ्रैक्शंस थे थ्री वो एज इट इज लिख लिए। अब हम देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ कट हो रहा है। तो सबसे पहले ये जो ये फर्स्ट मेरी नजर इस फोर पे गई जो नीचे है डिनोमिनेटर में, और यहाँ पे न्यूमरेटर में भी फोर है, तो ये फोर फोर कट हो जाएंगे। सेम ऐसे ही यहाँ पे ऊपर भी फाइव है नीचे भी फाइव है, तो इन दोनों को भी मैंने एज इट इज कट कर लिया। अब हम देखेंगे ऊपर यहाँ पे न्यूमरेटर में फोर है और नीचे टू है, तो टू के टेबल में फोर आता है तो हम फोर को कट करेंगे, टू वन जा टू, टू टू जा फोर। अब हम देखेंगे यहाँ पे वन है और सेवन है, सेवन और वन अभी, और यहाँ पे टू है, वन और सेवन तो नहीं कट रहे लेकिन ये जो टू है वो टू से कटेगा, तो टू और टू कट हो जाएगा। तो अब हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे ऊपर जो न्यूमरेटर है उसमें सिर्फ वन और सेवन बच गए हैं, तो वन सेवन जा सेवन आगे कट नहीं होगा इसलिए हम मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, और यहाँ पे है फाइव वन जा फाइव। तो ये तो हमें मिला है वो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए हम डिवाइड करेंगे, सेवन डिवाइड बाय फाइव, फाइव वन जा फाइव, यहां पे मिला टू। अब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख लेंगे, फाइव वन जा फाइव प्लस टू सेवन। तो ये हो गया हमारा जी क्वेश्चन जी का आंसर, वन टू अप बाय फाइव। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।